वेलकम टू एक और डेली व्लॉग दोस्तों, आज से स्टार्ट करेंगे ईशा फाउंडेशन के व्लॉग्स। आज है पहला व्लॉग, लेट्स बिगिन। ये दो पापड़ दियो यार, मेरे को उठने का आलस आ रहा है। मैंने तेरे शॉट के चक्कर में पापड़ खाया था। अगले 3 दिन की सारी मील्स यहीं पे होगी पीछे। खाना लो, खाओ, और उसके बाद सारा खाना खाने के बाद अपने बर्तन अपने आप धो और वापस रख दो। रिपीट प्रोसेस 3 दिन तक यही करना। आज की मील में रागी लड्डू वो सो डिलीशियस। दूसरा खाता लव इट, फास्ट फूड। That was good, यार। अच्छा था। So, अभी पीछे लॉग वॉकिंग कर रहे थे। आई थिंक ये फोकस से रिलेटेड है या कुछ तो है। मुझे यहाँ पे अभी ना लोगों से बात करके पता चला कि यहाँ पे फ़ोन यूज़ करना एक बहुत बड़ी लग्जरी है, क्योंकि फ़ोन आमतौर पे जब आप रिट्रीट पे आते हो तो आपको कुछ फ़ोन अलाउड नहीं होता, तो आप ये चीज़ कैप्चर नहीं कर सकते। पूरी प्रॉपर खाने की एक वेजी भाजी की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी कितना पॉसिबल हो पाता है वो। जस्ट अभी यहाँ से ओरिएंटेशन ख़त्म हुआ है और अभी बाहर कुछ ऐसे कैजुअल एक्टिविटीज़ हो रही है, उसके बाद फिर हम लोग टेंपल जाएंगे। नाइस, मौसम भी अच्छा हो गया, बहुत बारिश वाला मौसम ऐसा लग रहा है। खतरनाक बारिश होने वाली है, आज नहीं तो कल खतरनाक बारिश होने वाली है। पर ऐसा मौसम रहे तो अच्छा रहता है, सुबह इतनी धूप निकली हुई थी ना। अभी थोड़ी सी मेडिटेशन भी करी और उससे पहले वो कॉन्सेंट्रेशन वाली एक्सरसाइज भी करी। सही है, मज़ा आ रहा है। मेडिटेशन करके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे नींद की ज़रूरत है बस। सो फार सो गुड। अभी यहाँ पे हम लोग हैं कुछ 3 दिन के लिए, तो आज पहला दिन है। ओरिएंटेशन वगैरह हुई, कुछ फन एक्टिविटीज़ हुई, पीछे पार्क में बहुत सारी चीज़ें हुई। यहाँ पे आई थिंक किचन का कुछ सप्लाइज तो पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें कल एक्सप्लोर करेंगे। अभी टेंपल विजिट पे जा रहे हैं, सही मज़ा आ रहा है। वेदर जो है यहाँ पे करवटें ऐसे बदल रहा है। यहाँ के वॉलंटियर से बात कर रहा हूँ तो बता रहे हैं कि यहाँ पे बारिश कभी भी हो जाती है। अभी है अगले कुछ दिन यहाँ पे, तो देखते हैं बारिश पे एक्सपीरियंस करते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा स्किप हो गया था क्योंकि हम लोग पहुँचे 11:30 के आसपास थे। एयरपोर्ट से कुछ 1 घंटे के डिस्टेंस पे है, तो हमें तो एक कैब ने पिक करा था। रूम्स में आपने देखा मेरा जो रूममेट है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, किसने करी है ये पेयरिंग। एनीवे, जोक्स अपार्ट, फिर वहाँ से हम लोगों ने लंच करा और उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़, ओरिएंटेशन और अब आगे। सबसे बढ़िया चीज़ है मैं अपनी पानी की बोतल लेके चल रहा हूँ, पानी का हिसाब भी रहता पूरा और जब प्यास लगती है पी लेता हूँ। हेलो, मीट राहुल। हाय, शुद्ध देसी फूडी, शुद्ध देसी फूडी, शुद्ध देसी फूडी। राहुल भी वेजी भाजी वीडियोस देखते हैं बहुत सारे के सारे। तो ये भी वेजिटेरियन, हम भी वेजिटेरियन, दोनों के दोनों फूड ब्लॉगर्स। अभी निकालेंगे फूड कॉन्टेंट, चलो है, मजा करेंगे साथ में। 2 दिन 3 दिन अभी रात में बैग पैक करा था ना, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने 5-6 फुटवेयर डाल लिए। यूजुअली अल्ट्रा बूस्ट लेके चलता हूँ, कन्वीनियंट रहता है हर जगह पे, कंफर्टेबल रहता है। बट जैसे कुछ पर्टिकुलर फुटवेयर होते हैं वो कुछ टेरेंस के लिए अच्छे होते हैं, कुछ आउटफिट के लिए अच्छे होते हैं। इस ट्रिप में मुझे पता था कि मोटा मोटा ईशा सेंटर के अंदर ही रहेंगे सब कुछ, तो मैंने उस हिसाब से पैक करा फॉर अटायर के हिसाब से भी। अभी कुछ मंदिर में दर्शन करे, अभी आगे देखिए, मजा आएगा देखने में।
origins of this spectacular being were unknown. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they call him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. वो ट्राई करना है ना उसको सब कुछ. ये उपमा है. इतना अच्छा गुलाब जामुन भी है. गुलाब जामुन कैरेट. लॉट ऑफ थिंग्स यार. और बोल भी है. हाँ ये सूप है. That's good. खाओ. मैं अपना लगाता हूँ प्लेट. यहाँ पे ना अलग अलग स्टे के लिए ब्लॉक्स बना रखे हैं, अपार्टमेंट्स बना रखे हैं. तो ये हमारा जो है अपार्टमेंट नंबर 3 है. सुबह का व्यू जो आपने देखा ना, जैसे कितना ब्यूटीफुल होता है, रात का मौसम उतना ही ज़्यादा सुहाना है. चप्पलें यहाँ पे भारी उतार देते हैं. आज के दिन में ये वाली चप्पलें पहनी थी, कल कोई और फुटवेयर पहनेंगे. चलो भाई, पहले दिन को यहीं पर ख़त्म करने का टाइम आ गया. बहुत ज़्यादा आज का लंबा दिन हो गया. सुबह सुबह फ्लाइट लेके पहले तो यहाँ पे आए ईशा योगा सेंटर पे, और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ लगा रहा खाना वाना. अभी फुल सात्विक खाने पे आ चुके हैं. अगले कुछ दिन जब भी यहाँ पे है, सात्विक खाना ही खाएंगे. तो होपफुली थोड़ी सी टिड थोड़ी और अंदर हो जाए. बाकी और आज दिन भर में बस ओरिएंटेशन थी, और मंदिर में दर्शन करे, और आदि योगी का लाइट एंड साउंड शो देखा बस, और फिर डिनर करा. पर उतरे में ही काफ़ी थकान हो गई है, तो मैं तो चला सोने. आपसे बात करूँगा कल के ब्लॉग में. बाय बाय.